भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी का ये कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है। त्रिफला में तीन फल है, आंवला है, बहेड़ा है, हरडे है। लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर, बहेड़ा, आंवला, इसको हमेशा एक, दो, तीन के अनुपात में ही उपयोग करें। भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें, या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं। अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें, नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी। ज्यादा दिन से मतलब 3 महीने के आगे ना करें। तो मैंने जो बताया, रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसा माना जाता है। दूध के साथ अकेला नहीं है, गुड़ के साथ अकेला नहीं है और शहद के साथ अकेला नहीं है। त्रिफला में तीनों के बारे में मैंने कल थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। ऐसे ही बागवट जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है, त्रिकटु है। फिर ऐसे कर करके उन्होंने पूरी 108 की सूची बताई है। अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बातें जो छूटी हुई हैं वो बतानी है। त्रिफला जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने कल कहा था, जीरे के बारे में कहा था आपको, थोड़ा हींग के बारे में कहा था, अजवाइन के बारे में कहा था। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना, लेकिन बोलना जरूरी है। वो है मेथी का दाना। भागवत जी कहते हैं कि अपने रसोई में आंवला, हरडे, बहेड़ा, इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाइन, फिर उसके बाद बोला तो जीरा, फिर उसके बाद बोला तो हींग, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मेथी का दाना। इस मेथी के दाने के बारे में, इसकी जो विशेषता है मेथी की, ये वात नाशक है और कफ नाशक है। वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इस मेथी में है। मेथी पित्त को बढ़ाती है, वात को कम करेगी, कफ को कम करेगी, पित्त को बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेथी उपयोग अगर आप करते हैं तो वात की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मेथी पित्त को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से है उनके लिए विनती है कि वो मेथी का उपयोग ना करें। जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मेथी का उपयोग ना करें। पित्त की बीमारी आप समझते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, मुंह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुंह में रहना, डकारे आना वगैरह वगैरह, हिचकी आना, ये ज्यादातर पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। तो मेथी के लिए भागवत जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर वात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अब वात की बीमारियां अगर आपकी हैं, घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, जोड़ों का दर्द, मेथी का उपयोग जरूर करें, जरूर करें। अब आप पूछेंगे जी मेथी का उपयोग करने का तरीका, तरीका बहुत सरल बताया भागवत जी ने कि रात को एक गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में एक चम्मच मेथी दाना डाल दें, रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का महत्व तो बहुत है। कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत्व तो इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मेथी का है। क्यों? कारण उसका यह है कि जैसे ही मेथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि मेथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है, कषाय स्वाद है उसका। तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी, और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें, रसोई में रखें, उसका उपयोग करें। इस मेथी दाने के लिए
एक बात वैसे मैंने महसूस की है, हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मेथी होती है ज्यादातर। तो आप बागवत जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मेथी है वो अचार नहीं है, औषधि है, दवा है। माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मेथी है। मेथी है तो जरूर खाएं, वो चाहे आम का अचार हो चाहे कोई भी दूसरा नींबू का हो या जो भी अचार आप डालते हैं, अगर मेथी है तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं। कुछ अचारों में मेथी के अलावा ये भी होती है, अजवाइन होती है। अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं। क्योंकि महत्व की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है। जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने अचार डाला, तो मान लो आम का फल था, आम के फल का अचार डाला, अब इस पे मेथी पड़ गई या इस पे पड़ गया ये अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन और मेथी दो ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती है। तो कई लोग ऐसा घबराते हैं ना, मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी तकलीफ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप वात के रोगी हैं या आपको कफ की तकलीफ है तो बेझिझक वो अचार खाइए, तो अचार के साथ मेथी जाएगी। और अचार में पड़ी हुई मेथी का असर पानी की मेथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है। मैंने जो मेथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना, इसका जितना असर है, लेकिन अचार में डाली हुई मेथी का असर इससे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि अचार में ये मेथी 5-6 महीने साल भर पड़ी रहती है। मेथी के बारे में बागवती जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात वही है कि अचार में तो तेल भी है, बिना तेल के अचार नहीं है। मेथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति जो काम करने की है वो 20 गुनी ज्यादा होती है, कम से कम 20 गुनी ज्यादा होती है। तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मेथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाभकारी है। और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है। अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूं कि हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं वो कितनी वैज्ञानिक हैं कि अचार के रूप में मेथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती हैं। वो अनजाने में कितना बड़ा विज्ञान का काम कर रही हैं। जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो, कितना गौरव हो, लेकिन अनजाने में वो कर रही हैं। तो ये बात मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती हैं वो बहुत वैज्ञानिक है, भले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी मां से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो। अनजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख ली है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते। कोई भी MBBS MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और चूंकि वो जानता नहीं है तो अनजाने में कह देता अचार मत खाओ जी, हाँ नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको ये मालूम नहीं है कि मेथी दाने का अचार है, अजवाइन का अचार है, जीरे का अचार है, तो ये जीरा है, मेथी दाना है, अजवाइन है, हींग का अचार एक बनता है। तो बागवती जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधि अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है, औषधि का असर ज्यादा है। और आयुर्वेद की औषधियों को कुछ विशेष कॉम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो असर सबसे ज्यादा है। माने बागवत जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्व की बात है कि उसमें या तो मेथी हो, या तो अजवाइन हो, या तो जीरा हो, या तो हींग हो, दालचीनी हो, जो भी है, औषधि के बिना अचार ना खाएं। ये है उनका सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते हैं, माने बहुत बढ़ाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं। जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगे होंगे नहीं। माने चूना वो बोलते हैं
सबसे बेहतरीन बातनाशक औषधि है। मेथी का दाना तो है ही, चूना उससे थोड़ा एक डिग्री ऊपर है मेथी दाने से। चूना सबसे अच्छी वातनाशक औषधि है। चूने के बारे में भागवत जी का बहुत बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है, और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी। माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता, चूना खाइए। फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, शरीर में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से, जो मैं कहना चाहता हूं, भागवत जी ने तो 3,500 साल पहले कह दिया, आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है, कंफर्म कर रहा है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20-ओं नहीं 85-ओं बीमारियां आएंगी। कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो 85-ओं बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, हर तरह का, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, रक्त के रोग, खून की बीमारी। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए। जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। ये 12-15 साल का रिसर्च है, एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहें और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहे तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में भागवत जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूव किया, भागवत जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है, केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। तो ऐसे जो फल हैं इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है, जठर अग्नि भी तीव्र रहती है, बाकी सब फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, माताओं को ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं, बहनों को, माताओं को, जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका मेंसिस साइकिल बंद होता है, मासिक धर्म आपका बंद होता है, उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना, कम होना शुरू होता है। आप कितना भी ये सब चीजें खाएं, केला भी खाएं, ये भी खाएं, लेकिन कैल्शियम उतना पूर्ति नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुआत है। मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है, आप जानते हैं कई हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत
मुश्किल होता है, तब आपको जरूरत पड़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें। इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं, क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा। चूना जरूर खाएं आप सबके लिए, और आपको भी है चूना खाएं, क्योंकि आपकी उम्र भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है जो फलों से और सब्जियों से आ रहा है, कुछ अतिरिक्त चाहिए। और चूंकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम की उपस्थिति में ही काम आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विकसित हुई है पान खाने की। ये पान खाने की परंपरा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा, बहुत समझकर उसने ये शुरू की। और ये अद्भुत है, अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये परंपरा है। कहीं भी चले जाओ आप, सिक्किम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, वो भी पान खाते हैं। और आप धुर दक्षिण में आ जाओ तो यहां भी है, उत्तर में चले जाओ, कहीं भी चले तो ये पान खाना भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है, पान जो है चूने का ही खाना है। पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं, क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है। कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं, चूना औषधि के लिए उपयोग करते हैं। ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं। कल बहुत सारे नए और आज भी बहुत सारे नए चेहरे आए हैं। अब वो ये जरूरी बात से वंचित रह जाए, इसलिए मैंने ये दोबारा से कहा है। तो आपके रसोई में मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, फिर पान के बाद आपको जीरा, हींग वगैरह वगैरह, अजवाइन, ये सब हो गई। ऐसी कुल 108 औषधियां हैं। गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औषधियां हैं, इनका भरपूर उपयोग करिए। एक औषधि के बारे में बागवट जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि ये दमा, अस्थमा इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में बागवती जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन, मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50, कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है,
जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। भागवत जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए। 6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, भगवान ने या प्रकृति ने, उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है। गाय, भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय। और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं। बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा करना। वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, और पित्त, पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खत्म कर देता है, पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में 3 तरह के जो जितने रोग हैं, वात, पित्त, कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी, 148 रोग हैं लगभग भारत में, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात। तो भारत में वात, पित्त, कफ के कुल 148 रोग हैं। भागवत जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र। मेथी का दाना वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, पित्त को खत्म नहीं कर सकता, पित्त को कई बार बढ़ा देता। कई लोगों को यह महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुंह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन वो कहते हैं कि यह गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात, पित्त, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3,500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था, जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है, थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो, भागवत जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या, तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है, पानी के अलावा क्या है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है, पानी के अलावा उसमें आयरन है, पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, एफी है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं, ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में, दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में। पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक
पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो। तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया, एक लेबोरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के, कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर लें। प्रयोगशाला का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में दवाओं पर, औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया, और 3-4 तरह के गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है, सबके सब, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं। वो घटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, ये है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए, तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहे तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था। हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया, उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो। तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए इसमें वगैरह वगैरह, बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजीव भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था, भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा कि 1.25 महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ। 3रे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग थे, और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता। आप जानते हैं एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ, एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि बागवती जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है, 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाही हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीवी है, अस्थमा है, दमा, उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो, फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश, जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीवी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बाघ भट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं,
उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र है, क्योंकि कहो तो खाए नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सीरप तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये